जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकी हमले में बीजेपी के 3 युवा कार्यकर्ताओं की गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महासचिव फिदा हुसैन इस हमले में मारे गए लोगों में शामिल है। अन्य मृतक वर्कर्स की पहचान उमर राशिद और उमर रमजान के रूप में की गई है। लश्करे तैयबा का शैडो ग्रुप माना जाने वाला द रेजिस्टेंट फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मेरे साथ मेरे सहयोगी सोहेल यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। सोहेल, अगर देखा जाए तो पिछले करीब 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं को आतंकवादियों ने इस तरह से मार गिराया है। ये जो प्रेजेंट हादसा है, ये कब हुआ, कैसे हुआ, पुलिस के पास क्या कुछ और जानकारी है? देखिए गौरी, ये कल रात की बात है, करीब 8:30 पे ये 3 बीजेपी वर्कर एक गाड़ी में जा रहे थे साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके में, और वाईकेपुरा कुलगाम में एक जगह है जहां पे ये गाड़ी में जा रहे थे, जब मिलिटेंट्स ने अंधाधुंध फायरिंग इनकी गाड़ी पे की और तीनों लोगों को गोलियां लगी। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लिया गया, लेकिन तब तक उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया था डॉक्टर्स ने। जहां तक अटैक की बात की जाए, जी हाँ, कश्मीर में चाहे वो साउथ कश्मीर का इलाका हो या नॉर्थ कश्मीर, दोनों ऐसे जो ये इलाके हैं, यहाँ पर बीजेपी वर्कर्स को काफी देर से जो है टारगेट किया जा रहा है। और खासकर ये अटैक उस टाइम पे हुआ है जबकि जम्मू कश्मीर में नए जमीनी कानून जो है उनको लागू किया गया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है एक काफी देर से एक टारगेट पे है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है टीआरएफ की, और जो कि जैसे आपने बताया लश्करे तैयबा का ही एक ग्रुप है, टीआरएफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और उन्होंने कहा कि ये एक रिएक्शन भी था, और साथ ही साथ ऐसे वो लोग, क्योंकि काफी देर से ये स्टेटमेंट सब आना शुरू हो गया है कि वो सारे लोग जो कि हर चीज को सपोर्ट करेंगे उनका भी ऐसा ही अंजाम होगा, तो ये एक रिएक्शन भी है। और दूसरी बात ये भी है कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर जमीनी सतह पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक खतरा सा है, और क्योंकि हमने पहले ही देखा है नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में पंच और सरपंच जितने भी हैं उनको काफी हद तक टारगेट किया गया है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लेकिन क्योंकि अब नए नए कानून जिस तरह से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं उसके बाद में स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी जो है इन तमाम वर्कर्स की, उनको उसको बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया सोहेल इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 3 युवाओं की हत्या की निंदा करते हुए ट्वीट किया। पीएम ने कहा कि तीनों जम्मू कश्मीर में बढ़िया काम कर रहे थे, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वहीं जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने भी हत्या की निंदा की है। एक ट्वीट के जरिए एलजी ने लिखा कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं, हिंसा के अपराधी ह्यूमैनिटी के दुश्मन हैं और ऐसी कायरतापूर्ण हरकतें जस्टिफाई नहीं हो सकती हैं। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि कुलगाम में बीजेपी के इन 3 कार्यकर्ताओं की हत्या से वो बेहद दुखी हैं, उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिवार के साथ हैं।